ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आपको बहुत घाटा हो रहा है, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे व्यापार हो, परिवार हो, कहीं भी, बस नुकसान और नुकसान हो रहा है। एक नुकसान होता है नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा शुरू नहीं होता है कि तीसरा नुकसान हो रहा है। कर्जा इस वजह से बढ़ रहा है, जो हमारी जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो रही है। साथ ही साथ हम बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा जो हो रहा है ना सडन, आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ये एक साल से, दो साल से, एक नियमित 10 ईयर से, एक नियमित समय से आपके साथ नुकसान होना शुरू हो गया है। पहले अच्छा था, लेकिन अब नुकसान होना शुरू हो गया है। ऐसा क्यों है, और ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, तो ये वीडियो आपकी सबसे बड़ी मदद करने के लिए है दोस्तों। सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है, पूरा देखना और अपने नुकसान से आप बच सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें, उसका फीस लागू है दोस्तों। नुकसान होने के पीछे एक मूल वजह जो आपकी राशि के जातकों के साथ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके निवेश करना। ये आप खुद इस बात को ऑब्जर्व कर लेना कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके निवेश करा, बहुत ज़्यादा विश्वास करके चीज़ों पर आप आगे बढ़े, ये नुकसान का एक बहुत बड़ा वजह ज़्यादातर जातकों के साथ है। अब दूसरी जो वजह है कि नुकसान होने के पीछे एक मूल जो वजह आपके साथ लाइफ में, ये भी है कि आपने जहाँ भी निवेश किया, जिन चीज़ों पर निवेश किया, वो अपनी बुद्धि और विवेक से निवेश नहीं किया, वो दूसरों की बुद्धि और विवेक पर और दूसरों के ऑब्जर्वेशन पर आपने निवेश किया। और आपका मन एक बार मना भी कर रहा था, लेकिन शायद आपने ये बात नहीं सुनी, अनसुना करके चीज़ों में आप आगे बढ़ गए। अब इस तरह के नुकसान, ये मूल जो वजह होती है आपकी राशि के जातकों का, जो चरित्र है ये, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये भी मैं आपको साथ साझा कर दूं। अब आपको करना क्या है, अगर आपको बार बार नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहले एक अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, क्योंकि शनि और राहु और केतु, इन तीनों की वजह से लाइफ में कई सारी महादशा चेंजिंग होने से भी ऐसी परेशानियां झेलनी पड़े, तो उनके उपाय जरूर आप कराएं। जब तक उनके उपाय और हल नहीं होंगे, कुछ नहीं हो सकता।